नाभि की समस्या, नलों की समस्या, कोढ़ी की समस्या आज बहुत तेजी से बढ़ रही है और खासतौर से युवाओं को हो रही है, तो हमने कैसे चेक करना है? नाभि को सिंपल तरीके से चेक करने का तरीका है कि आप तीन उंगलियों को एक साथ मिला लीजिए, नाभि जहां पर भी हो, यानी कि इनकी नाभि जहां पर भी है, हमने नाभि के ऊपर प्रेशर देना है और यहां से दुख दुख को सुनना है, यानी कि दुख दुख का मतलब है कि नाभि कंपन यहां आपको नाभि के ऊपर होना चाहिए। यहां नाभि की कंपन आ रही है तो नाभि अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी समस्या आती है कोढ़ी की समस्या। कोढ़ी की समस्या आती है जो हमारी स्टर्नम बोन है, इस स्टर्नम बोन जहां खत्म होती है, यानी कि जो हमारी पसलियां जिस हड्डी से जुड़ी होती हैं, जहां खत्म होती है वहीं पर अगर दर्द है, वहां दर्द है, वहां भारीपन है, वहां अजीब सी फीलिंग है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये कोढ़ी की समस्या हो। जैसे अगर मैं यहां पर प्रेस करूं और यहां आपको कुछ भी महसूस ना हो तो आपको कोढ़ी नहीं है, लेकिन अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ हाथ खिसकाते आऊं और यहां कुछ अजीब सा गड्ढा लगे या कोई उभार सा लगे, तो इसका मतलब है कि आपको कोढ़ी की समस्या हो सकती है। और ऐसी समस्या में आपको जी मिचलाएगा, दर्द होगा और खाने की बेचैनी होगी, आप खाना नहीं खा पाएंगे। इसी तरीके से नलों की समस्या में नाभि से नीचे के एरिया में यहाँ 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 दर्द है आपको, और ऐसा मीठा मीठा सा दर्द हमेशा बना रहता है। फीमेल्स में पीरियड्स की समस्या हो जाती है, उसकी वजह से मेल में टेस्टिस से रिलेटेड पेन आ सकता है, स्पर्म आपके यूरिन में जाना शुरू कर सकता है, आपको नली की समस्या है। अगर यहाँ पेन है तो नली की समस्या है, यहाँ पेन है तो नाभि की समस्या है, यहाँ पेन है तो आपको कोढ़ी की समस्या है। तो जहां पेन है उसी का इलाज कराना है, इधर उधर नहीं भटकना है, सही ट्रीटमेंट से आपका सही इलाज होगा। न्यूरोथेरेपी इसके लिए बहुत अच्छा उपचार है। न्यूरोथेरेपी आपके नाभि की समस्या, नलों की समस्या, कोढ़ी की समस्या को जड़ से ठीक कर सकती है। धन्यवाद।